राही की बात करते हैं। नए पाकिस्तान में गरीब आवाम का जीना दुश्वार हो गया। अशिया खुरानोश की कीमतों में होशुबा इजाफा, आवाम महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर है। 14 तबक रोशन हो गए। तब्दीली का नाम निहाद नारा लगाने वाली तब्दीली सरकार ने आवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। बुनियादी सहूलियात तो दूर, पेट भरना भी मुश्किल होगा। इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 25 जुलाई 2019 को इख्तिताम पजीर होने वाले हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 15.59% इजाफा हो गया है। मुल्क के 17 बड़े शहरों से 53 अशिया की कीमतों का तकाबुली जायजा लिया गया है, जिसमें से 19 अशिया की कीमतों में इजाफा जबकि 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। दर शुमारियात की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते के दौरान मुल्क भर में टमाटर, आलू, कुकिंग ऑयल, प्याज, वेजिटेबल घी, दाल माश, लहसुन, दूध, खुश्क दूध, साबुन, चावल, बासमती, दाल चना, दाल मूंग, गंदम, दही, मटन की कीमतों में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक केला, आटा, चिकन, एलपीजी, दाल मसूर, अंडा, चीनी, सुर्ख मिर्च, दाल, चावल और खुदनी तेल की कीमतों में भी कमी, जबकि आग जलाने वाली लकड़ी, चाय का कप, गुड़, बीफ प्लेट, दाल प्लेट, मोटा लट्ठा, मिट्टी का तेल, डबल रोटी, बीफ, नमक, चाय, सिगरेट, गैस चार्जर्स, माचिस, इलेक्ट्रिक बल्ब, वॉशिंग सोप, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, लोकल कॉल की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है।